दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चंद दिनों का इंतजार, बहुत जल्द शुरू होने वाला इंडिया का त्योहार, आमने सामने आने वाली है गुरु और चेले की जोड़ी। महेंद्र सिंह धोनी के सामने होगी पांड्या की पलटन, पूरी दुनिया तैयार है बनने के लिए इस महामुकाबले की गवाह। तो आखिर कब खेला जाएगा? चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का ओपनिंग मैच कितने बजे से होगी? इसकी शुरुआत क्या रहने वाली है? दोनों टीमों के मैदान पर होगा ये महामुकाबला, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मंच सज चुका है इंडिया, या फिर यूं कहें क्रिकेट के महोत्सव इंडियन प्रीमियर लीग का, जिसमें पूरी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच ऐसा घमासान होता है जिसमें रोमांच की सभी हदें पार हो जाती हैं। और भारत के अलावा पूरी दुनिया में दो महीनों के लिए क्रिकेट बिल्कुल थमसा जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिकेट फैन आईपीएल के ऐतिहासिक मुकाबले के अलावा किसी और का गवाह बनना ही नहीं चाहता है। किसी से सही ही कहा है, यहाँ पर विश्व के सबसे खूंखार शेरों के बीच जंग होती है, जिसमें से एक बनता है आईपीएल ट्रॉफी का बादशाह। जी हाँ दोस्तों, और आईपीएल 2023 तो सबसे खास होने वाला है, क्योंकि दो महीनों के भीतर एक साथ 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें रोहित विराट कोहली समेत दुनिया भर के सितारों से भरी हुई 10 फ्रेंचाइजी एक दूसरे से लोहा लेते हुए हमें नजर आने वाली है। आपको बता दें आईपीएल की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 4 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहली बार में ही आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने वाली गुजरात टाइटंस के बीच होने जा रहा है। दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच भी मुकाबला जबरदस्त होता है, जहां आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के लिए साल 2022 किसी बुरे सपने की तरह था। उन्होंने आईपीएल के अंत में पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर कब्जा जमाया था, तो वहीं गुजरात के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था और खेले गए दो मुकाबलों में दोनों में चेन्नई को हार नसीब हुई थी। वहीं हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 में अपना जलवा बिखेरा था। चेन्नई को अपने दोनों मुकाबलों में हराने के साथ ही पहली बार में ही गुजरात आईपीएल की चैंपियन बन गई थी, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन अब आईपीएल 2023 में भी इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ, इस मुकाबले का लुत्फ आप अपने टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर उठा सकते हैं। यदि आप इसे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुकेश अंबानी इस बार आईपीएल का प्रसारण जियो सिनेमा पर मुफ्त में करने वाले हैं, जो फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं रहने वाला है। जहां गुजरात की कमान एक बार फिर हार्दिक के कंधों पर रहने वाली है, तो साल 2022 में काफी उठा पटक के बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को अपने आखिरी आईपीएल में लीड करने के लिए तैयार है। बात करें दोनों टीमों की तो कोई भी किसी से भी कम नहीं है। शेर पर सवा शेर से गुजरात को चेन्नई एक से बढ़कर एक सितारों से भरी हुई है, जहां गुजरात के पास एक बार फिर मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे शुभमन गिल, साउथ अफ्रीका दिग्गज डेविड मिलर, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के T20 विश्व कप में सबसे बड़े हीरो हैं मैथ्यू वेट। गुजरात की बल्लेबाजी में 4 चांद लगाते हैं, तो वहीं उनकी गेंदबाजी में राशिद खान जैसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ साथ भारतीय पेस अटैक सेंशन मोहम्मद शमी और अल्जारी जोसेफ जैसे बड़े बड़े नाम हैं, जो उन्हें दोबारा आईपीएल के खिताब का हकदार बनाते हैं। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने बेन स्टोक्स जैसे धाकड़ ऑलराउंडर को अपने साथ जोड़कर आईपीएल के खिताब में अपना कब्जा जमाने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां उनके पास रविंद्र जडेजा और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर पहले से मौजूद थे, तो वहीं अब ऋतुराज गायकवाड़ डेवन कॉनवे के साथ मिलकर बेन स्टोक्स उनकी बल्लेबाजी को और भी घातक बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार होने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले मुकाबले में गुरु और चेले, हार्दिक और धोनी की भिड़ंत में कौन बनेगा विजेता? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।